अपनी 6 सूत्रीय मांग को लेकर सत्य क्रांति पार्टी ने मंगलवार को नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में एक दिवसीय धरना दिया। धरने की अध्यक्षता कर रही सत्य क्रांति पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदा सिंह ने कहा कि जिस तरह अन्य दिवस मनाया जाता है उसी तरह भ्रष्टाचार मुक्त दिवस मनाया जाए, महिला आरक्षण बिल पास किया जाए, सभी राजनीतिक दलों को RTI के दायरे में लाया जाए। एक दिवसीय धरने में गीता यादव, PS चौहान, डॉक्टर सलील चौहान, ओम प्रकाश चौहान, सतप्रकाश सिंह, एडवोकेट राम जतन चौहान सहित अन्य लोगों जिलों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए कुशीनगर की जिला अध्यक्ष ममता सिंह पटेल और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदा सिंह ने कहा, सर मेरा नाम कुमारी ममता सिंह पटेल है और मैं कुशीनगर की जिला अध्यक्ष हूँ। हमारी पहली मांग है कि 1 जनवरी को भ्रष्टाचार दिवस घोषित किया जाए। दूसरी मांग है महिलाओं को 33% आरक्षण बिल पास किया जाए। तीसरी मांग है हमारी सभी राजनीतिक दलों को RTI के दायरे में लाया जाए। चौथी मांग आर्थिक उद्धार और स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू किया जाए। पाँचवी हमारी जो चौहान भाई है उनके आरक्षण के लिए कुछ काम किया जाए। नंदा सिंह चौहान, मीडियम भाई, आप लोगों के माध्यम से मैं भारत सरकार से मांग करती हूं कि जिस तरह अन्य दिवस मनाया जाता है उसी तरह भ्रष्टाचार मुक्त दिवस मनाया जाए, महिला आरक्षण बिल पास किया जाए, सभी राजनीतिक दलों को RTI के दायरे में लाया जाए, स्वामीनाथन रिपोर्ट किसान के हित में लागू किया जाए, चौहान समाज को पिछड़ी जातियों के श्रेणी में आरक्षण पास किया जाए।